एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। भोपाल की मध्य विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह लगातार जनसंपर्क कर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर करारा हमला बोला है। ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि आरिफ मसूद ने विधायक रहते क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है। आरिफ मसूद फिरका परस्त हैं, वो केवल धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भोपाल की मध्य विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह लगातार लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद को निशाने पर लेते हुए ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में विधायक आरिफ मसूद ने कोई काम नहीं किया है, इस बात से लोग बहुत नाराज हैं। आरिफ मसूद फिरका परस्त है, केवल धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पर नहीं। जनता ये बात अच्छी तरह से समझती है। ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मोदी लहर है, विकास की लहर, लाडली बहना की लहर है, और पिछले 5 साल में जो विधायक ने कोई काम नहीं किया, वो जो फेलियर है उसका भी बड़ा प्रभाव है। लोग उससे नाराज है, लोग काम चाहते हैं और वो फिरका परस्ती की बातें करते हैं। वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पे तो मांग नहीं रहे। तो जनता भी समझती है ये सब, जनता को भी काम चाहिए, विकास चाहिए, जनता को भी योजनाएं चाहिए, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देती है। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।